नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में वैसे युवा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है दरअसल जनरल ड्यूटी यानी जीडी कांस्टेबल के पदों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती की जाने वाली है जहां कुल पचहत्तर हजार सात पदे भरे जाएंगे इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट एस .nice पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम तारीख अठाईस दिसम्बर दो है भर्ती के तहत आये उम्मीदवारों को सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस सशस्त्र सीमा बल और सचिवालय जैसे क्षेत्रों में तैनाती दी जाएगी पचहत्तर पदों में ये भर्ती सबसे अधिक बीएसएफ के सत्ताईस रिक्त पदों पर निकाले गए हैं इसके अलावा सी के आठ पदों पर सी के पच्चीस पदों पर एस के पाँच पदों पर आईटीबीपी के 3,006 के ए आर के चार हज़ार के पाँच और एनआईए के 225 पदों पर भर्ती है आवेदन शुल्क के रूप में उम्मीदवारों से सौ रूपए लिए जाएंगे लेकिन महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक से संबंधित उम्मीदवारों को इसमें छूट मिले हैं यदि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्हें दसवीं पास होना जरूरी है साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष और अधिकतम आयु सीमा तेईस वर्ष होनी चाहिए लेकिन आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में भी छूट दिए जाएंगे

प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी या हिंदी से पूछे जाएंगे कुल 20 सवाल सभी सेक्शन से रहेंगे परीक्षा फरवरी 2024 में आयोजित होनी है चलिए अब हम आपको इस परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सबसे पहले विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा यहाँ आप होमपेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक कर लें उसके बाद यहाँ मांगे गए जरूरी डिटेल्स जैसे अपना नाम पता ईमेल आईडी जैसे जरूरी जानकारी को भर लें अब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए तब क्रेडेंशियल की मदद से लॉग कर लें फिर आवेदन पत्र को भरें आगे मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से भर लें उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें फिर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लें उसके बाद किए गए आवेदन का कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट अपने पास जरूर रखें आज के लिए फिलहाल इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद